बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी पार्ट टू। आज का हमारा टॉपिक डायलिसिस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर रेनल फेलियर यानी किडनी जो है वो फेल हो जाए, काम करना छोड़ दे, नॉन फंक्शनल हो जाए, तो उसके लिए फिर हमें ब्लड को जो है वो साफ करवाना पड़ता है, या फिर हमें क्या होता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है कि एक की उस किडनी की जगह हम कोई और जो फंक्शनल किडनी है किसी डोनर से लेकर, तो हम उसको जो है वो एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, इन केस अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाई जाती तो फिर वो पेशेंट कैसे सर्वाइव करेगा, तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस फिर डिपेंड करेंगे डायलिसिस पे कि डायलिसिस जो है वो होगी तो उससे उसके ब्लड जो है वो साफ़ होता रहेगा और उसके रिजल्ट में वो सर्वाइव करता जाएगा। सो लेट डिस्कस अबाउट डायलिसिस। डायलिसिस एक्चुअली आर्टिफिशियल क्लीनिंग, या आप लिखें क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन, कि हम ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियल जरिए से साफ करवा लेते हैं। ठीक है, अब साफ करवाने का मतलब क्या है, तो एक्चुअल में जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, हमने लास्ट टाइम हमने एक लेक्चर में ये डिस्कस किया था, मेटाबॉलिक वेस्ट ये सारे कहाँ आ रहे होते हैं, ब्लड में। ठीक है, ब्लड से फिर इनको रिमूव करवाना होता है। अगर रिमूव नहीं करवाएंगे तो बहुत सी और प्रॉब्लम्स क्रिएट जो है वो हो जाती है। ठीक है, अब चूँकि किडनी तो ख़त्म हो चुकी है, किडनी फेल हो चुकी है, तो हम फिर उसको क्या करवाएंगे, आर्टिफिशियल मीन्स। वो जो आर्टिफिशियल मीन है इट विल बी कंसिडर एज ए डायलिसिस। ठीक है, अब डायलिसिस की दो टाइप है, एक है होमोडायलिसिस ठीक है, दैट मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, तो इसके लिए अब होमोडायलिसिस के अंदर हम ब्लड को साफ करते हैं, उसमें हम एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं जिसे डायलाइजर भी कहा जाता है। ठीक है, डायलाइजर मशीन उसे कहा जाता है। पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियल डायलिसिस एक्चुअल में ह्यूमन कैविटी, पेरिटोनियम कैविटी होती है, वहाँ पे हम डायलिसिंग फ्लूइड डालकर तो उसको जो है वो ब्लड को साफ कर रहे होते हैं। दोनों तरीक़ों में, अगर होमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस, होना क्या है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड ठीक है, आर्टिफिशियल मीन है, और इसके लिए जो इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है वो फ्लूइड होता है जिसे डायलिसिंग फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, डायलिसिंग फ्लूइड। अब इस पर जो प्रिंसिपल है ना, वो इस्तेमाल होगा डिफ्यूजन प्रोसेस का, यानी ब्लड को साफ करने का जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है, डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो लेट डिस्कस अबाउट डायलिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस, अब इसमें एक मशीन इस्तेमाल होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं या कह देते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, डायलिसर उसको कहा जाता है, ये आर्टिफिशियल किडनी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल ट्यूब्स, यानी एक आप लेट सी एक टैंक होता है, उसके अंदर स्मॉल ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, अभी जो स्मॉल ट्यूब्स है ना, इट विल एक्ट लाइक अ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के तौर पर काम करती हैं। अगर आप इसको देखना चाहें, मैट्रिक क्लास में भी आपको आपने इसको डिस्कस किया था,
लेट्स सी बेटा, ये आपके पास एक डायलिसिस मशीन है, ठीक है? यहां पर इसका एक कनेक्शन होगा और इसके अंदर सारी क्या होगी, कैपिलरीज यानी स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है? आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ये कनेक्टेड होगी यहाँ पे। तो ये सारी क्या है, कैपिलरीज, ये सारी की सारी यानी कैपिलरीज लाइक एक्ट करेंगे, ये ट्यूब्स हैं, यहाँ से ये बाहर, तो इट विल बी इंटरकनेक्टेड। यहाँ से कनेक्ट कर रही हैं। अगर आप चाहें तो इसको सारा ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो, कनेक्ट के बजाय अगर पूरा ही मिलाना चाहें तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये आपके पास एक डायलिसिस मशीन यानी आर्टिफिशियल किडनी बन गई। अब इसकी एक यहाँ पे ओपनिंग है, एक यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे भी, और इसी तरह यहाँ। ऐसा नहीं कि खुली है, वॉल वगैरह लगे होंगे, इसको बंद किया जाता है। अब पहला काम ये होता है कि हम यहाँ से डायलिसिंग फ्लूड को डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से डायलिसिंग फ्लूड को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ओके, तो डायलिसिंग फ्लूड कहाँ पे होगा, ये जो कैपिलरीज है ना, ये ब्लू ट्यूब्स आपको नजर, इसके सारा साथ साथ प्रेजेंट होगा। यानी आप यूँ सोचें कि एक आपके पास जग है, उसके अंदर आपने पानी भर दिया, फिर ऐसे ट्यूब के एक नेटवर्क लेके आप उसके अंदर डिप कर देंगे। ठीक है, तो ये ट्यूब्स के अंदर डायलिसिंग फ्लूड नहीं जाएगा, साइडों पे रहेगा, मतलब ये जो सारी ट्यूब्स हैं डायलिसिंग फ्लूड के अंदर डूबी हुई हैं। अब आपने क्या करना है, पेशेंट के बाजू वहाँ से आपने आर्टरी को कट करना है। ठीक है, आर्टरी पे जाकर तो इधर कनेक्शन एक ट्यूब लगाकर तो उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, आर्टरी या वेन में आप लगा सकते हैं, ज़्यादा होता है कि आप आर्टरी में लगाएं, प्रेशर ज़्यादा होता है। सो यहाँ देखिए, ब्लड इधर से इधर आ रहा है। अब ब्लड की डायरेक्शन क्या है, ब्लड इसके अंदर मूव कर रहा है ट्यूब्स के अंदर, यहाँ से ये देखिए जो रेड मैं लगा रहा हूँ, ये सारा ब्लड है, ये मूव कर रहा है। ओके, ये ब्लड मूव कर रहा है यहाँ से बाहर, ये ब्लड का रास्ता है। अब इधर से जो ब्लड एंटर किया जा रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद है, मतलब उसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, ऑक्सलेट है, कैल्शियम है, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो उसके अंदर आ रहा है। तो जैसे ही ये वहाँ से गुजरेगा तो इधर से जितना वेस्ट है वो सारा डिफ्यूज़ करके डायलिसिंग फ्लूड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यानी ये जो ट्यूब्स होती है ना, ये एक्चुअली मैंने बताया था कि ये कैपिलरीज के तौर पर काम करती हैं। तो देखिए, ये डायलिसिंग फ्लूड में सारा ये मूव कर दिया जाएगा। इसकी केमिकल कंपोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाएगी और ब्लड में जितना वेस्ट है वो सारा इस फ्लूड में चला जाएगा और इधर जो ब्लड निकलेगा वो बिल्कुल साफ होगा। ठीक है, तो ये दोबारा पेशेंट को लगा दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें फ्लूड हमने डाला है, जब फ्लूड कंसेंट्रेटेड हो जाता है, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना उसने सॉल्यूट कैरी कर लिया है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पुराने वाला डायलिसिंग फ्लूड निकाल देंगे, इस टैंक को खाली करेंगे, वहाँ से फिर नया डायलिसिंग फ्लूड डालेंगे। तो इस तरह ये जो मशीन है डायलिसिस मशीन, इट विल एक्ट लाइक अ किडनी। तो हमने इसको आर्टिफिशियल किडनी जो है वो कहा था, तो ऐसे ब्लड जो है वो साफ होता रहेगा। ठीक है, सेकंड अगर आप देखें, सेकंड टेक्निक वो है पेरिटोनियल डायलिसिस।
पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस एक्चुअल में होती है एट द पॉइंट ऑफ पेरिटोनियम कैविटी। हमारा जो एब्डोमेन है उसमें जहाँ पे गट प्रेजेंट है, गट मीन आपका डाइजेस्टिव ट्रैक, स्पेसिफिकली स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर नीचे क्या है, कैविटी है, उस कैविटी को कहते हैं पेरिटोनियम कैविटी। ठीक है, सो एक्चुअल में ये जो डायलिसिस है ये बॉडी के अंदर करवाई जाएगी, और बॉडी के अंदर कहाँ करवाई जाती है, एट द पॉइंट ऑफ पेरिटोनियम कैविटी। पेरिटोनियम कैविटी। अब जो पेरिटोनियम कैविटी है इसके ऊपर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन आप कह लें कि प्रेजेंट होती है, एपिथेलियम मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ओके, बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज वहाँ पे मौजूद है, यानी कि आप देखिए ना बेटा कि लेट्स सी अगर ये ह्यूमन एब्डोमेन रीजन है, यहाँ पे इट्स अ ह्यूमन एब्डोमेन रीजन और यहाँ पे सारे इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये सारी क्या है, कैविटी है। तो इसमें क्या किया जाता है, इधर से कट लगाया जाता है, यहाँ पे कट लगा दिया और इधर डायलिसिंग फ्लूइड डाल देते हैं। अब ये जो नीचे है कैविटी, वहाँ पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज, यानी कि आप देखें कि ये अगर हाथ है ना तो आप इसको कंसीडर करें, ये सारी कैविटी है, इस कैविटी के ऊपर ये जो स्किन है ये मेम्ब्रेन है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज है जो कि अपर सरफेस के बिल्कुल करीब है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायलोजिंग फ्लूड को डालेंगे, जो कट हमने लगाया डायलोजिंग फ्लूड यहाँ हम डालेंगे, तो डायलिसिंग फ्लूड इस कैविटी के अंदर होगा, तो यहाँ सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक्सचेंज, या आप कह लें कि जितना ब्लड के अंदर वेस्ट है ना वो इस पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से होता हुआ पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जो डायलिसिंग फ्लूड पड़ा वो उसके अंदर आ जाएगा। तो हम वक्फे वक्फे से उस डायलिसिंग फ्लूड को चेंज करते रहेंगे जब तक वो आपके पास जो मतलब ब्लड है वो पूरे को पूरा साफ नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस है और ये हेमोडायलिसिस है, तो बोथ प्रोसेस आर इंक्लूडिंग इन डायलिसिस, और इससे ब्लड को साफ जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, डायलिसिस नो डाउट एक पेनफुल प्रोसेस है, अगर डायलिसिस नहीं करवाना चाहता कोई पेशेंट तो उसके लिए फिर लास्ट ऑप्शन क्या होती है, किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट एक्चुअल में हम ज़्यादातर तब करते हैं जब जो फंक्शनल किडनी है वो टोटली नॉन फंक्शनल हो गया। डायलिसिस आप बाज दफ़ा तब भी करवा सकते हैं कि किडनी जो है वो 50% फंक्शनल है, 50% नॉन फंक्शनल है। ठीक है, किडनी का टोटल फेलर होना, उस केस में आप क्या करेंगे, आप किडनी ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस करवाएंगे। ओके, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाती है यूरेमिया के केस में, यूरेमिया दैट मीन टोटली फेलियर ऑफ किडनी, कि किडनी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, तब फिर आप क्या करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट करवाएंगे। अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्या देखा जाता है, स्पेसिफिकली तो ब्लड ग्रुप को भी देख ले तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर जो हम देखते हैं वो टिश्यू की कंपोजिशन, कि टिश्यू जो है वो सेम होने चाहिए, अगर टिश्यू सेम हो जाते हैं तो फिर 100% सक्सेसफुली आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम इट मे हैपन देर इज़ अ टिश्यू रिजेक्शन, कि आपने किडनी व्यवस्थित कर दी, प्रबंध कर दी, लगा दी, लेकिन वहाँ पर टिश्यू रिजेक्शन हो गया, दैट मीन जो रिसिपियंट है उसके टिश्यू, जो डोनर है उसके टिश्यू से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उस केस में किडनी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी और किडनी पहले तो काम करेगी फिर ऐसा ऐसा वीक होते चली जाएगी और एटलीस्ट वो डेड हो जाएगी। ठीक है,
तो टिश्यू रिजेक्शन से बचने के लिए हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि टिश्यू जो है वो क्या हो के केमिकली जो है वो कनेक्ट कर जाएं। सिमिलरिटीज ज़्यादा प्रेफर की जाती है, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट किडनी प्रॉब्लम एंड आफ्टर द किडनी प्रॉब्लम सोल्यूशन ऑफ द किडनी प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। सो लेट मैं आपको समरी बयान कर देता हूँ। डायलिसिस क्या है? क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन इज नोन एज अ डायलिसिस, ब्लड का साफ करवाना। मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं ब्लड में, अगर आप उन्हें रिमूव नहीं करते तो वो हार्मफुल होते हैं। होमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, इट्स टू टाइप ऑफ द डायलिसिस, और दोनों में ब्लड साफ किया जाता है और इसमें यूज होता है डायलिसिंग फ्लूइड, ठीक है। देन अगर आप देखें होमोडायलिसिस, होमोडायलिसिस में हम आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये आपको एक मशीन नज़र आ रही है जो कि डायलिसिस मशीन है। इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं बरीक जो कि कैपिलरीज के तौर पर काम करती हैं, और उसके सराउंडिंग में आपको जितना भी वाइट एरिया नज़र आ रहा है वो स्टील टैंक का एरिया है। वहाँ आप फ्लूइड डालेंगे और फिर यहाँ से ब्लड ये पास होगा ट्यूब्स के अंदर। ट्यूब्स के अंदर जैसे ब्लड पास होता चला जाएगा वो साफ़ होता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या होता है, साफ ब्लड निकाल दिया जाता है और फिर पेशेंट को लगा दिया जाता है। ये हेमोडायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस सेकेंड टाइप है, ये पेरिटोनियल कैविटी में होता है, पेरिटोनियम कैविटी भी इसे कहते हैं। उस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर नीचे एक मेम्ब्रेन होती है सरफेस पे, जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहलाती है। वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो हम बॉडी को कट लगा के तो वहाँ पे डायलिसिंग फ्लूइड डालते हैं, तो नीचे कैपिलरीज से सारा वेस्ट डायलिसिंग फ्लूइड में आता है और फिर आप डायलिसिंग फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। डायलिसिस है लास्ट। अगर किडनी टोटली फेल हो चुकी है जो कि कहलाती यूरेमिया, उस केस में फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो करवाते हैं, ठीक है। होपफुली कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई बात नहीं भी समझ आती तो बेटा आप कमेंट्स करें, आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।